नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बदौरे। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए पिछले एक महीने से हम लगातार मध्य प्रदेश के जिले और तहसील स्तर तक तैनात संवाददाताओं के दम पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल है जिसमें न केवल कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया बल्कि आपको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर की व्यवस्थाएं भी लाइव दिखाई। मध्य प्रदेश के कोने कोने में किए गए शानदार कवरेज के बाद आज हमारी टीम रुख करेगी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी कोरोना के केस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 1500 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, इसमें से 1300 के करीब एक्टिव केस हैं, जबकि प्रदेश में 20 से ज्यादा की मौत भी हो चुकी है। इस दौरान कोरोना के 200 से ज्यादा पीड़ित मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालातों पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में आज बात करेंगे यूपी के प्रयागराज, बहराइच, जालौन की, साथ ही आपको ले चलेंगे कानपुर, गाजियाबाद के साथ दूसरे कई शहरों में भी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी। त्रिपाठी, हमारे फास्ट प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चूंकि मध्य प्रदेश के बाद आज उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है। हालांकि सख्ती बहुत है, सब कुछ है, लेकिन 1584 के तकरीबन वहां पर केस वहां पर भी है। लेकिन मध्य प्रदेश से बेहतर है। मध्य प्रदेश से बेहतर इसलिए है कि मौतों के मामले में मध्य प्रदेश में जितनी मौतें हुई है वहां नहीं हुई है और ऊपर वाला के ना भी हो। बिल्कुल। लेकिन वहाँ इतना बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, तो आबादी के अनुसार वो मध्य प्रदेश के मुकाबले बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर आबादी का रेशियो निकाले तो मध्य प्रदेश कहीं बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश से हॉट है इस समय कोरोना के मामले में, चाहे मौतों के मामले हो चाहे संख्या के मामले में हो। लगातार कल और कल शाम से अभी तक 84 मामले इंदौर में फिर से आ गए। मध्य प्रदेश में करीब 30 से 35 मामले आ गए, भोपाल में आ गए, खरगोन में आ गए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा फेज जो कह रहा था उसमें भोपाल और खासकर इंदौर बहुत ही सेंसिटिव होते जा रहे हैं। जाहिर है भोपाल में भी यही आलम है, इंदौर में जैसा कि आपने कहा। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जैसे कि हाल ही में एक उन्होंने नजीर पेश की, अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल न होकर, एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। हालांकि योगी जी योगी हैं। लेकिन पिता होते हैं, लेकिन नजीर उन्होंने पेश की है। निश्चित तौर पर बचपन तो वहीं गुजरा होगा, उसके बाद में वो सन्यासी बने, तो ऐसे स्थिति में। लेकिन वहाँ जैसा कि पता चल रहा है वहाँ सख्ती भी बहुत है, जैसे कि आपने ही बताया कि गांव में अगर एक पेशेंट भी आ जाता है तो पूरा गाँव सील कर दिया, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाता है। इसी कारण वहाँ नहीं बढ़ रहे, जबकि शुरुआत में वो गायिका महोदय पहुंची थी और उनके कारण हड़कंप मचा था, उन्हीं कारण बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल बहुत अच्छा किया यहाँ के मुकाबले, बहुत अच्छा कंट्रोल किया। यहाँ तो अब गांव तक जाने लगा है। खैर, हम लोग बात भी करेंगे, सारे अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, वहाँ के जिले लेवल पर बात करेंगे आखिर किस तरह से कंट्रोल है वहाँ, क्या जिस तरह यहाँ पूरी तरह से दूध, इंदौर में जिस तरह की दूध सेवा भी बंद है, किराने के स्टोर भी बंद है, सब्जी सब सारी चीजें बंद है, तो वहाँ भी स्थिति है, तो आप उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से निर्मल सिंह बैस। निर्मल जी, तब तक आप भोपाल के जो जानकारी है, क्योंकि चूंकि भोपाल में 20 नए तकरीबन केस सामने आए हैं, अभी पूरे मध्य प्रदेश की अगर आप जानकारी दे सकें तो दीजिए कि अब इस वक्त हालत क्या है। जाहिर है हालत बिगड़ते जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपक, की हालात जो है बिगड़ती जा रही है, लेकिन चूंकि कुछ मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं तो थोड़ी सी सुधरती भी जा रही है। अब पहले अगर भोपाल की बात करें तो 37 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ ये संख्या जो भोपाल के पॉजिटिव मरीजों की है 346 पर जा पहुंची है। लेकिन अगर डिस्चार्ज की बात करें तो एक अच्छी बात है कि आज शाम को, रात को 8 बजे 56 मरीज डिस्चार्ज किए जाएंगे अस्पताल से, और इस तरह से पिछले अगर मरीज मिला दें तो 135 के आसपास ये संख्या बनती है। इस हिसाब से 211 मरीज ही ऐसे हैं जो इस समय अस्पताल में हैं और पॉजिटिव हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और लगे हाथ अगर इंदौर की भी बात कर लें तो 84 नए मरीज सामने आए हैं, ये एक बड़ा आंकड़ा है, और 1029 के आसपास जो है इंदौर के पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है। अब तक इंदौर में डिस्चार्ज मरीजों की बात की जाए तो 102 जो है उनकी संख्या है, और इस हॉट स्पॉट में जो कि सबसे ज्यादा हॉट जिला है
उसमें 55 जो है मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और वापस अगर भोपाल की बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया उसमें एक एम्स की नर्स शामिल है, इसके अलावा एक ही परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। अब से कुछ दिन पहले हमने चर्च रोड जहांगीराबाद की बात की थी, वहीं नीलम जो है नीलम साहू का परिवार है, उनके जो है उनके समेत जो है 4 परिवार के उनके सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इस इलाके को कंटेनमेंट कर दिया गया था जब पिछला मामला से 2 रोज पहले सामने आया था। तो एक तरह से देखा जाए तो जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहीं कुछ अनुपात में जो है लोगों का डिस्चार्ज, मरीजों का डिस्चार्ज होना भी एक अच्छा संकेत यहां पे माना जाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात किट की आ रही है कि जो किट है उसकी अनुपलब्धता की जो है खबरें बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं। और आज तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट भी किया इस मामले को लेकर, और उनका ये कहना है कि जो है टेस्टिंग किट जो खत्म हो गई है इनको जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो 1,000 रुपये हर मजदूर के जो बाहर प्रदेशों में फंसा हुआ है, 1,000 रुपये जो डालने की बात की गई थी उसके खाते में, वो अगर नेता प्रतिपक्ष रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है गोपाल भार्गव ही इस बात से इंकार कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में नहीं डाली गई, तो इस पर भी सवाल उन्होंने एक तरह से खड़े किया। निर्मल, आपको थोड़ा रोकेंगे, आज उत्तर प्रदेश का मामला है, हमारे ब्यूरो चीफ अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। अकील, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अकील, मैं आपके सारे जिलों में तो मैं जाऊंगा ही, कई जिलों में जाऊंगा, वहां से उनकी खबर लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा पूरे उत्तर प्रदेश के मामले में आप अपडेट दे दें। अभी तक की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ जाती है, लेकिन आज अभी तक की स्थिति क्या है? देखिए, अभी तक की स्थिति अगर बताएं तो 1604 टोटल जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है वो अभी तक जो रिपोर्ट आई है अभी तक है, और ये 57 जिले संक्रमित कर चुका है। निश्चित तौर पे जो जो लॉकडाउन जो जिले हैं जिसमें क्षेत्र है उसे काफी एक्टिव रखा गया है, बहुत टाइट रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 24 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ अगर हम लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि 206 जो मरीज थे वो अब तक ठीक हो चुके हैं। ये अच्छी बात है कि 206 मरीज ठीक हो चुके हैं। उसके साथ अगर हम बात करें 1374 लेकिन ऐसे 1374 मरीज है जो अभी तक एक्टिव केसेस हैं। तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से देखा जाए तो खुद मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, सुबह उठ के ही शाम तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले के जिलाधिकारियों से संपर्क में है, वहाँ के स्वास्थ्य हेल्थ अधिकारियों के तौर है, जो आज जो बैठक हुई है नोडल अधिकारियों को वो भी उन जिलों 57 जिलों में भेज दिया गया है, जहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो, वरिष्ठ सीएमओ हो, वरिष्ठ अधिकारी हो, ये 3-3 जो नोडल अधिकारी हैं उन्हें भेजा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 94 जो सबसे अच्छी बात है, देखिए जो मेरे पास रिपोर्ट है 94 केस, यानी अब जो पहले 3 डिजिट में हुआ करता था 2 डिजिट में आ गया है। ये अच्छी बात है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को लेकर साफ किया गया है। इसके साथ साथ 13 जनपद में 94 केसेस सामने जो आए हैं उसमें पत्रकारों, अगर हम पत्रकारों की बात करें तो वो सारे रिपोर्ट आज नेगेटिव आए हैं। 46 जिलों में 8 एक्टिव केसेस हैं, 5 जनपद में 80 केसेस, यानी जो हॉटस्पॉट है, देखिए हॉटस्पॉट में 80 केसेस अभी भी एक्टिव हैं। तो ये कभी कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे जिला के जिला अधिकारी हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है। लेकिन पूरी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव है उस मामले में, जो हॉटस्पॉट है उस पर निगरानी की जा रही है, किसी को ना आने दिया जा रहा है ना बाहर दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह दिल्ली और नोएडा में जिस तरह अफरा तफरी का माहौल 20 तारीख को हुआ था, मुख्यमंत्री ने खुद नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया था, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है, ये अच्छी बात रही। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हर जिले में कोई भी आना जाना रोक दिया जाए। बहुत ऐसे पासेस बन गए थे जिसको लेकर कार्रवाई भी योगी सरकार ने की है, फेक न्यूज पे अलग कार्रवाई की है, सोशल मीडिया पे कार्रवाई की, जो फर्जी लोगों ने जो फेक न्यूज करके चलाई थी इसके बाद। लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि 10 ऐसे जिले थे जो कोरोना मुक्त हुआ है, तो योगी सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से इस बात में ले रही है। और एक बात अच्छी और है कि आज लखनऊ में कोई भी केसेस नहीं आए हैं। पिछले दिन अगर हम बात करें तो बहराइच में आज केसेस सामने आए हैं, आज आगरा में आए हैं, कानपुर में आए, लेकिन लखनऊ में नहीं आए। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर अगर बात की जाए इस पूरे उत्तर प्रदेश के जिले की तो है वो आगरा, आगरा में सबसे ज्यादा केसेस है, उसके बाद लखनऊ में है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस पर भी जो संक्रमित जो है कोरोना संक्रमित जो फैला हुआ है उसे रोकने के लिए खुद मुख्यमंत्री हर जो संभव मदद हो पा रही है वो तो कर ही रहे। लेकिन आज की जो खबर आई मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा जो मजदूर बाहर जो फंसे हुए हैं, जो 14 दिन का प्रोटीन जो पूरी तरीके से कर चुके हैं, उन्हें अब जनपद उनके जनपद भेजा जाएगा, तो ये एक अच्छी खबर है। उसके साथ उन्होंने कहा कि उनको राशन किट और 1,000 रुपए भी दिया जाएगा।
तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो विपक्ष था इसे हमला कर रहा था कि जिस तरह कोटा से जिस तरह स्टूडेंट्स को लाया गया है 14 दिन क्वारंटीन के बाद वो घर भेजा जाएगा, वैसे भर्ते मजदूरों को लाया जाए, तो मुख्यमंत्री इस पर पहले ही चिंतित थे, उसको लेकर रूपरेखा बना रहे थे। आज जिले के जिलाधिकारियों को और वरिष्ठ अधिकारी के साथ जो जिम्मेदार अधिकारी उन्हें निर्देश दे दिया गया है कि नोडल अधिकारी को भेजने के बाद जो भी प्रदेश के जो भी मजदूर जो फंसे हैं अन्य राज्यों में उन्हें लाने की पूरी तरीके से मुहैया करा दी जाए, व्यवस्था की जाए, तो इसके बाद उन्हें अपने जिलों में भेजा जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि उनको राशन के साथ साथ किट और 1000 रुपए भी दिया जाएगा। अकील, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, आपको कोई सवाल है? जी बिल्कुल, आगरा में जैसे कि मामले बढ़ते जा रहे हैं अकील जी, वहाँ पर कारण क्या है? क्या वो दिल्ली के नजदीक है, टूरिस्ट प्लेस है, या पर वहाँ का घनत्व यानी कि कंजर्वेटिव है काफी ज्यादा? आगरा छोटा सा शहर है, आबादी बहुत ज्यादा है, क्या कारण है कि वहाँ पर केसेस, आपने बोला कि वहाँ पर अभी भी निकल रहे हैं, हालांकि लखनऊ में बंद हो गए, और सबसे अव्वल नंबर पर चल रहा है आगरा? देखिए, सबसे गंभीर मुद्दा वहीं पर है, जिस तरह मुख्यमंत्री ने साफ तौर से उसे काफी समीक्षाएं की है, नोडल अधिकारियों को भेजी है, जिस तरह आपने सवाल अच्छा किया है कि कैसे बढ़ रहा है, सबसे पहले ये देखने को सबसे पहला केसेस वहाँ भी मिलना जिस तरह शुरू हुआ था, क्योंकि दिल्ली से करीब है और सबसे ज्यादा पर्यटन वहाँ पे आते हैं, ऐसा नहीं कि देश से ही आते, विदेशों से सबसे ज्यादा है, क्योंकि विदेश में देखिए पहली तरीके से जो वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे, जो गार्ड टाइप के थे, जो वहाँ पे दुकानें किए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको संक्रमित हुए थे, उसके बाद वो बढ़ता गया है। निश्चित तौर पर देखिए दिल्ली से सटा होने के साथ साथ विदेशियों का आगमन जो था वो सबसे ज्यादा आगरा में था, और सबसे ज्यादा केसेस आगरा में हुए, चाहे वो होटल की बात करें, होटल के कर्मचारी चाहे वो संक्रमित हुए हो, चाहे दुकानदार संक्रमित हुए हो, तो वो अपने परिवार के बीच में गए वहां पे संक्रमित हुए, तो सबसे ज्यादा केसेस वहां है। लेकिन वहां पे देखिए मुख्यमंत्री इस बात को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस बराबर कर रहे हैं आगरा में न कोई आ सकता है न जा सकता है, जितने हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वहां पर पत्रकारों को भी जाना अलाउड नहीं है पूरे प्रदेश में जहां भी हॉटस्पॉट बनाए गए, लेकिन आगरा को जिस तरह वो सोचते हैं कि जितनी जल्दी कम हो सके वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है। आज फिर जैसे केसेस आगरा में भी ज्यादा आए हैं, कानपुर में भी आए हैं, आगरा से कानपुर भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये ऐसे जो कानपुर आगरा जो जिला है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आज नोडल अधिकारियों को भेजा गया, इस बात की समीक्षा भी वहां करेंगे कैसे ये कोरोना वहां पे फैला है, जिनके आने से फैला है, क्या मजदूरों के आने से ज्यादातर फैला, या दिल्ली से जो लोग ज्यादातर लोग आए हैं वहां से फैला है, तो इस बात की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री चाहते हैं प्रदेश में जितनी जल्दी हो सके कोरोना मुक्त किया जाए, और उसके साथ साथ नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी ये बनती है जिलाधिकारियों की, तो उसके साथ साथ देखिए ये तो एक हॉटस्पॉट के साथ साथ पूरी तरीके से समीक्षा तो कर ही रहे, लेकिन सबसे ज्यादा की कोई भूखा ना सोए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जरूर दिखा दिया अधिकारियों की, अगर कोई भी एक व्यक्ति चाहे वो आगरा हो, कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, या अन्य राज्य हो, जहाँ अन्य जिला हो जहाँ पर कोरोना जो फैला हुआ है, वो जिला जो संक्रमित है वहाँ पे जो लॉकडाउन टाइट है वहाँ पर अगर एक भी व्यक्ति भूखा सोया तो वो जिलाधिकारी नहीं बख्शा जाएगा, तो इस बात का डर हर जिम्मेदार अधिकारियों को भी है। और वहाँ पर वो जो है वो देखा जाए तो जो है कैंटीन द्वारा वो खाना पहुँचाया जा रहा है, जो निजी संस्थान है, जो समाज सेवी संस्थान है उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, कोई भूखा नहीं हो पा रहा है, भूखा नहीं सो पा रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है, ये इनकी एक जो हनक और डर है वो कहीं ना कहीं जिलाधिकारियों के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच में बता हुआ है, तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग करने के बाद जितनी जल्दी हो सके, देखिए 10 जिले ऐसे हुए जो संक्रमित मुक्त हुए, कोरोना संक्रमित मुक्त हुआ है, तो एक अच्छी खबर भी रही, मुख्यमंत्री इस पर काम भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पिता का देहांत हुआ और वो देहांत में नहीं गए, वहां पे बैठकें लखनऊ में करते रहे, तो ये एक बात एक तस्वीर जरूर साफ है कि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता को लेकर काफी गंभीर है और कोरोना मुक्त को लेकर हर जिले में हर संभव मदद पहुंचाए। अकेले जानना चाहेंगे वहाँ सैंपल कितने लिए जा रहे हैं, लखनऊ के आपको जो जानकारी हो, लखनऊ की हो, पूरे उत्तर प्रदेश की हो, कितने सैंपल लिए जा रहे हैं प्रतिदिन? देखिए सैंपल की बात करें चाहे वो पीजीआई हो और ट्रामा सेंटर हो, यहाँ पर हर जिले से सैंपल आ रहे हैं, बराबर 1000, 1200, 800, 700 ऐसे सैंपल आ रहे हैं और उसे 48 घंटे में फाइनल किया जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि अब देखिए पत्रकारों के लिए या लखनऊ के जिम्मेदार अधिकारियों के लिए लोक भवन में बना दिया गया है कि वहाँ वो अपने सैंपल दे सकते हैं, उसके पास वहाँ रिपोर्ट आ जाएगी। पीजीआई अलग बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज अलग बनाया गया है, उसके साथ लोहिया अलग बनाया गया है, तो 5 ऐसे सेंटर जो बनाए गए हैं उसमें जिले भर के जो सैंपल आ रहे हैं उससे वहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है। तो एक अच्छी बात है कि बहुत तेजी से जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके 24 घंटे से 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट जिले में पहुंच रही है, लखनऊ में तो तुरंत मिल जा रही है 24 घंटे के बाद, जिलों में भी भेजी जा रही है,
की सबसे बड़ी बात है कि चाहे आज की रिपोर्ट हम उठा के देखें, चाहे कल की रिपोर्ट उठा के देखें, पहले ये होता था कि 100 से पार संख्या कर जाती है, पॉजिटिव या निगेटिव वो पॉजिटिव ही कर जाती थी, लेकिन इस बार संख्या जो है वो 100 के अंदर यानी 2 डिजिट में आ गया है। प्रमुख सचिव ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोक भवन में की, हेल्थ डिपार्टमेंट ने की, उसे साफ तौर पर कहा कि अच्छी बात है कि अब हम 2 संख्याओं के अंदर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है, हॉटस्पॉट को टाइट किया गया है। और रमजान, देखिए सबसे अच्छी बात है कल रमजान शुरू हो रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भी और जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा है कि अब रमजान का रोजा जो है वो घर के अंदर ही मनाए, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी घर में ना बुलाए, अवतार देना हो तो भी ना जाए, गरीबों को केवल पहुंचाए। तो निश्चित तौर पे इस बात का ख्याल पूरी तरीके से रखा जा रहा है। जमातियों पे जिस तरह जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के हर जिलों से आए थे, उसमें बड़ी कार्रवाई हुई, जो 14 दिन के क्वारंटीन जो पूरे कर चुके उन्हें 28 जेलों में आज भेजा गया है। तो संख्या ज्यादा जो थी उनको 28 जेलों में अलग अलग जिलों में बना के उन्हें जेल भी भेजा गया, ताकि मुख्यमंत्री एक तरफ कार्रवाई भी करते नजर आए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही बरती है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, इसके साथ साथ खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को भेज रहे हैं। तो कोरोना फैलाने वाले के भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो। इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरह हमले हुए, चाहे वो मुरादाबाद की बात को लेकर हो जाए या कानपुर को लेकर हो, जहां भी ये हमले हुए हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। एनएसए के धाराओं में, गंभीर धाराओं में देखिए FIRें हो रही है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, 7 जेलों में भेजा जा रहा है। उसके बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब ये संक्रमण पूरी तरीके से कंट्रोल होगा तो उन्हें जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि हम एक तरफ वो कार्रवाई करके जरूर डर बैठा रहे हैं कि कोई भी इसे हेल्थ डिपार्टमेंट से खिलवाड़ न करे, अपनी जांच कराए, अगर लगता है कि ऐसा कुछ है जिससे इसे संक्रमित को रोका जा सके तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गंभीरता से लेते हुए मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अखिल जी, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि जहां पर 20 से ज्यादा पेशेंट मिलते हैं, तो वहां पर इसी में योगी आदित्यनाथ लखनऊ से टीम भेजते हैं उस पूरे हॉटस्पॉट बनाकर, उसके बाद क्या कुछ वो टीम करती है जो कि लखनऊ से भेजी जाती है, क्या प्रोसेस रहता है पूरा, आखिर क्यों ये टीम भेजी जाती है? देखिए इस टीम को इसलिए भेजी जा रही है, देखिए नोडल अधिकारियों को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, चाहे वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हो या जिम्मेदार अधिकारी, 3 नोडल अधिकारियों को भेजा गया है रिपोर्टिंग करने के लिए कि आखिर ये जिलों में कैसे संक्रमित हुआ है, कैसे लोग यहाँ पर हुए। 10 से ज्यादा जिन जिलों में भी पॉजिटिव केस मिले हैं उन्हें लॉक कर दिया गया है, वहां कोई ढील नहीं दिया जाएगा। जहां 10 से केसेस से कम है तो वहां सुबह से लेकर 2 घंटे और 4 घंटे की ढील दिया गया है। लेकिन ये फैला कैसे, दिल्ली से ज्यादातर मजदूर जो आए, जो दिल्ली से जो इंटर किए हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से होते हुए, लखनऊ होते हुए बिहार तक गए हैं, गोरखपुर बनारस होते हुए वहां वो जिले जो संक्रमित हुए हैं, या कि सबसे ज्यादा ये अहम बात हो रही, मुख्यमंत्री ये जानना चाह रहे हैं कि वाकई क्या उत्तर प्रदेश में पहले से कोरोना था, यह दिल्ली से आया है या किन अन्य राज्यों से। जिस तरह लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें, सबसे ज्यादा सऊदी, दुबई, इराक, अन्य जो देशों से लोग यहाँ पे आए थे वहां के भी लोग संक्रमित हुए हैं। तो हर जगह नोडल अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और रिपोर्ट करेंगे कि कहाँ से कोरोना फैला है और इसे कैसे एक्टिव केसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। चलिए अकील, आप जिस क्षेत्र में, हमारा स्वराज का ऑफिस है, आप जाते हैं उस ऑफिस में लगातार दिन भर रहते हैं, उसी क्षेत्र में प्रसिद्ध गायिका आई थी वो कनिका कपूर जी, तो उस एरिया का क्या हाल है? देखिए कनिका कपूर की जो रिपोर्ट आई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे लखनऊ में हंगामा मचा था, पूरे प्रदेश में मचा था। ऑफिस के कुछ ही दूर पर ही देखा जाए तो वो एक पार्टी में शामिल हुई थी, पूरे उस एरिया को लॉक कर दिया गया था, सभी 400 लोगों से मुलाकात की थी जिन्हें क्वारंटीन किया गया था। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि वहां पे सारे रिपोर्ट निगेटिव आए थे और जो कनिका कपूर उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया था, लेकिन 4 बार उनके केसेस को पॉजिटिव आया था, उसके बाद 5वां रिपोर्ट निगेटिव आई थी, उसके बाद उन्हें रिफर उनके डिस्चार्ज करके घर में 14 दिन रहने के लिए कहा गया था। लेकिन एक अच्छी बात है कि वो 14 दिन नहीं निकली और कोई भी ना मैसेज आया उनका, ना ही बोलिए नहीं अभी। उसके बाद उन्होंने गंभीरता से इस बात को लिया है कि अगर उनके वजह से फैलता है तो जिस तरह जमातियों पर कार्रवाई हुई है वो कनिका कपूर पे भी होगी। लेकिन 14 दिन के बाद कनिका कपूर से पुलिस पूछताछ भी करेगी, जब आपको जानकारी दी तो आप कैसे घर से बाहर निकली और कैसे लोगों के पार्टियों में शामिल हुए, तो कार्रवाई इनके खिलाफ भी पुलिस विवेचना कर रही है, उनसे भी पूछताछ करेगी, उससे भी कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी मैं बता दूं कि कनिका कपूर की जो स्वास्थ्य है वो काफी ठीक है और बेहतर है, वो अपने घर में ही क्वारंटीन है। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जानकारी दी, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं लेकिन बहुत कम, जितनी 1000 सैंपल रोज लिए जा रहे हैं, 1000 यहाँ। निर्मल जी से पूछ लेते हैं, यहाँ जो भोपाल में 37 आए हैं निर्मल, या इंदौर में आए हैं, कितने सैंपल में आए हैं? देखिए सैंपल तो सैंपल्स की तो जानकारी कितने अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है, जो आज 35 आ गए, कितने सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है, शायद आपके पास है जानकारी? ये करीब 300 के आसपास, 300 में 37, वहाँ 1000 में है स्थिति, यहाँ बहुत भयानक है। जी जी निर्मल जी,
जी जी जी, देखिए एक केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है मध्य प्रदेश सरकार को, 3630 करोड़ का कोरोना पैकेज जो है देने का ऐलान किया है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी अदा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जो है आज आर्थिक गतिविधियां जो प्रभावित हो रही हैं कोरोना के चलते हुए उनकी भी समीक्षा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की हालत आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, बावजूद के इसके जो है 1 लाख रोजगार जो है 1 लाख रोजगार मई के प्रथम सप्ताह तक देने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है, और ये रोजगार उन जिलों में दिए जाएंगे जो कोरोना से प्रभावित नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा ऐलान और भी किया है, उन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त को कोरोना नायक जो है पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि जो कोरोना वॉरियर्स इस समय फील्ड में सक्रिय हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, लोगों की जो उनका विरोध करते हैं उनके पत्थर तक जो है। निर्मल थोड़ा सा आपको रोक लूं? जी बिल्कुल प्लीज। आपके पास फिर से आऊंगा। बहराइच से हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बहराइच के क्या हाल हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं, लेकिन सख्ती और नियम कानून वहां पर अच्छे हैं, तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि वहां पर कितने लोग संदिग्ध हैं या कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं, कितने पॉजिटिव हैं और कितने संदिग्ध हैं, सबसे पहले जानकारी चाहेंगे। जी बहराइच में लगभग उत्तर प्रदेश का जो है ग्रीन जोन का इलाका कहा जा रहा था, लेकिन 20 तारीख की शाम को सीएमओ सुरेश सिंह के द्वारा पुष्टि की गई कि बहराइच में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं। जी 8 कोरोना पॉजिटिव निकले, ये कौन लोग हैं? जी ये बाहर से आए हुए लोग हैं, और इसमें एक नेपाल का है, एक कुशीनगर का है, जो कि नेपाल वाले मरीज को रुपाइडिया बॉर्डर पे होम क्वारंटाइन किया गया था, उसकी एक बार रैपिड टेस्ट हुई, रैपिड टेस्ट में उसकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आई, लेकिन संदिग्ध देखते हुए उसकी सैंपलिंग दोबारा की गई, दोबारा कोरोना की जांच में उसको पॉजिटिव पाया गया, और एक महिला अपना ऑपरेशन कराने जो है गाजियाबाद गई थी, गाजियाबाद से लौटने के बाद उसका जो है रैपिड टेस्ट हुआ, उसमें भी उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन संदिग्ध अवस्था में बाहर से आई हुई थी, इसको देखते हुए मेडिकल टीम ने उनकी दोबारा सैंपलिंग कराई, उस दौरान उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और जो छह कोरोना पॉजिटिव हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। तो कोरोना का जो वायरस जो है वो फैलने का ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आशंका फैली हुई है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने भी आई है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ द्वारा या कोरोना पॉजिटिव जो 8 लोगों की पुष्टि है इसको जो है प्रशासन से छुपाने का आरोप भी उनके ऊपर लगाया जा रहा है। जी सैंपल कितने लिए गए कुल बहराइच से? लगभग 350 की संख्या में सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 198 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, और बाकी की रिपोर्टों की डिटेल अभी आई नहीं है, और 8 पॉजिटिव आई। चलिए आपके यहाँ लॉकडाउन पूरी तरह से है, वहाँ रोजमर्रा की चीजें क्या, किराने के सामान जो लोगों को रोज की चाहिए जरूरत है खाने पीने की, सब्जी से लेकर दूध से लेकर, क्या मिल पा रहा है या सरकार ही भिजवा रही है, होम डिलीवरी कर रही है? ये बिल्कुल बहराइच प्रशासन द्वारा ये जो है हर तहसील में खाद्य निरीक्षक व नोडल अधिकारी मौजूद किए गए हैं, उनके द्वारा रोज तक के हिसाब से दुकानों का विवरण बनाया गया है, उस हिसाब से वहाँ पे दुकानें खुल रही हैं, और आवश्यकता अनुसार 11 से 1 उनको टाइमिंग दी गई है, 11 से 1 के अंदर लोगों को बताया गया है कि जो भी जो रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं हैं वो आप 10 से 1 के बीच में खरीद सकते हैं। जी और वहाँ पर स्क्रीनिंग कितने लोगों को की जा चुकी है अब तक, क्योंकि बहराइच की आबादी 2 लाख के करीब है? जी स्क्रीनिंग के नाम से यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है, केवल रैपिड टेस्ट यहाँ पे हुए हैं, जो प्रॉपर वे में टेस्ट कोरोना वायरस का हो रहा है वैसी सुविधा अभी यहाँ पे नहीं है सर। आपके यहाँ के सैंपल कहाँ, लखनऊ भेजे जा रहे हैं? जी राम मनोहर भैया इंस्टीट्यूट में भेजे जा रहे हैं। जी और यहाँ पर हॉटस्पॉट कितने बनाए गए हैं? 1 दर्जन के तकरीबन हॉटस्पॉट जगह बनाई गई है, क्या बढ़ी है अभी? जी हॉटस्पॉट की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा पूरे जनपद को हॉटस्पॉट के रूप में बनाया जा रहा है, और जिस इलाकों से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और उन इलाकों के लोगों को बहराइच प्रशासन द्वारा तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर निर्मल जी आपको रोका था, आप कुछ जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को कुछ राहत मिली है दिल्ली से, कोरोना से नहीं।
जी जी, कोरोना के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान हुआ है 3,630 करोड़, तो एक बड़ी राहत जो है कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के राजनीतिक प्रदेश की आर्थिक हालत थी, खजाने की हालत थी, उससे सभी वाकिफ हैं, तो एक बड़ा कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें इसका एक बड़ा योगदान होगा। साथ ही आज जो है स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है और उन्होंने इस बात को भी उठाया है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी इलाज की अनुमति केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को दे। इसके अलावा जो किट का हल्ला हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर किट की कमी की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, तो इसकी उपलब्धता की मांग भी जो है उन्होंने हर्षवर्धन से की है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की है। और अच्छी बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो है किट जो है यहाँ भेजे जाएंगे। इसके अलावा जो है आज जो एक विशेष विमान है वो इंदौर भोपाल के 1000 सैंपल और इंदौर के 600 सैंपल लेके भोपाल के बैरागढ़ एयरपोर्ट से उड़ा है और ये पुडुचेरी जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि अब तक दिल्ली जा रहे थे ये सैंपल, अब पुडुचेरी जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अलग अलग जगहों पर सैंपल्स भेजने का क्रम जो है राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और जब किट की उपलब्धता हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो इसकी संख्या में और ज्यादा भी इजाफा हो सकता है। ये बात अगर लगेगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये आश्वासन दे चुके हैं कि बहुत जल्द जो है मध्य प्रदेश और राजधानी के लैब्स में भी जो सैंपलिंग का काम है उसको बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, हम आपको रोकने वाले थे लेकिन आप खुद ही रुक गए। आपके पास फिर से आते हैं, हमारे साथ रोहित द्विवेदी बांदा से जुड़ गए हैं। क्या है रोहित वहाँ के हाल बांदा के? सर बता दूं कि बांदा जिले में अभी तक 3 मरीज मिले हुए हैं और 3 जगह हॉट स्पॉट घोषित हुआ है। जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट किया गया है वहाँ पे सरकार का पहरा लगा दिया गया है, कोई भी व्यक्ति न अंदर जा सकता न कोई आ सकता। रोहित ये जो 3 मिले हैं ये कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं बांदा में? बांदा में 380 सैंपल लिए गए हैं जिसमें से 301 का नाम है निगेटिव आए हैं और 64 को क्वारंटीन किया गया है और जिसमें से 64 को 14 दिन बाद निकाल दिया गया। और जो यहाँ पर सर जो 77 संदिग्धों की रिपोर्ट भेजी गई थी झांसी की, अब तक वो आ पाई है? अभी नहीं आई सर, आने वाली है, आप शाम के 5:30 बजे तक आ जाएंगे। क्वारंटाइन की पूरी व्यवस्था है? कितने वार्ड है क्वारंटाइन के लिए? क्वारंटाइन के 8 वार्ड बनाए गए हैं जिसमें से सभी खानों में अलग अलग रखे जाते हैं सभी मरीजों। रोहित यहाँ पर जो 3 जमाती मिले थे वही 3 संक्रमित थे, उसके अलावा भी और भी कहीं किसी वर्ग से या फिर किसी कहीं बाहर से आए लोग भी संक्रमित थे? 3 ही है वही? जी सर बता दो, इनमें से 2 जमाती हैं, एक मुंबई से बांद्रा से आया था, इनके साथ 9 लोग और आए थे जिनमें से 9 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है और एक को संक्रमित पाया गया, उनकी भी रिपोर्ट साइबर आसाम के निगेटिव आई है। ठीक है, वहाँ पर राशन वाशन किस तरह से मिल रहा है, सुविधाएं चल रही हैं प्रशासन के द्वारा, खाने पीने की चीजें दी जा रही, मुहैया कराई जा रही है? जी प्रशासन के द्वारा घर घर राशन पहुँचाया जा रहा है और किसी को भी निकलने के लिए बाहर नहीं, लॉकडाउन का फुल तरीके से पालन करने के लिए प्रशासन मुहिम चला रहा है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने अपने घर में रहें और कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो प्रशासन को फोन लगाएं, टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तत्काल उनके घर पर सामग्री पहुँचती है। ठीक है चलिए, तमाम जानकारी के लिए रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि एक बार हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी की मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इजाजत मांगी थी, जो प्लाज्मा थेरेपी होती है उसमें किसी भी व्यक्ति जो कि कोरोना से ठीक हो जाता है उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं एक्स्ट्रा, तो प्लाज्मा के द्वारा निकाल के जो भी संक्रमित व्यक्ति होते उसमें दिए जाते हैं जिससे उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, ये दर्शकों को बताना जरूरी था। जी आप कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल, इस पर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा है कि ईमेल के जरिए जो है उनको इसकी बात की जानकारी भेजी जाए, साथ ही आईसीएमआर के जो नॉर्म्स हैं उनका इसमें जो है पालन किया जाए, तो ऐसा लगता है कि इसकी भी अनुमति जो या ये भी जो प्रक्रिया है ये प्लाज्मा थेरेपी की वो बहुत जल्द जो है प्रोसेस में आ जाएगी।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष में जब से कांग्रेस हुई है तब से विपक्षी धर्म, हालांकि अभी तो कोरोना ने ही लगभग पूरा का पूरा मामला घेर रखा है, लेकिन पत्र के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार को लगातार चेता रहे हैं और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ये कहा है कि जो किसान उपार्जन केंद्रों पर जा रहे हैं अपना गेहूं बेचने के लिए, उनसे ऋण की राशि, जो लोन की राशि है, वो ना वसूली जाए। अब मसलन मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा, सीहोर जिले के किसान मूलचंद ने 30,800 की अपनी जो है गेहूं की फसल बेची और सहकारिता के जरिए जो उन्होंने ऋण लिया था उनका लोन 30,164 रुपए काट कर उनके हाथ में महज 636 रुपए थमा दिए गए। तो ये जो गेहूं के खरीदी के समय जिस तरीके से एक बड़ा ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार की ओर दिलाया है कि खरीदी एक तरफ सरकार कर रही है, दूसरी तरफ जो है सहकारिता के जरिए या अन्य माध्यमों के जरिए जो किसानों ने लोन ले रखा है उसको स्पॉट पे ही जो है माइनस कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। तो ये इस तरह से अगर होगा तो किसानों के कई खेतों में अभी फसल खड़ी है और जो किसान बेचना चाहते हैं फसल, वो कहीं ना कहीं फसल बेचने से संकोच करेंगे और नतीजा ये होगा कि खेतों में रखी हो या खड़ी फसल बेमौसम बरसात से खराब भी हो सकती है। जी निर्मल, एक बार अपन चलते हैं फिर से मुरादाबाद चलते हैं, निर्मल एक बार फिर आएंगे जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। निर्मल है, आज कितनी और सैंपल की रिपोर्ट्स आने वाली है जिसको सबकी नजर रहती है, भोपाल, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, खासकर मोहम्मद सलमान जुड़े हैं हम लोग साथ है। मोहम्मद, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि अभी जो रिसेंटली खबर मिल रही है वहां से कि वहां इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि जो नेगेटिव थे उनको क्वारंटाइन सेंटर इन्हें आइसोलेट कर दिया गया, जो पॉजिटिव थे उनको घर भेज दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सर, ये लापरवाही दोनों नाम सेम होने की वजह से हुई है। इसमें दो नाम के, एक ही क्वारंटाइन सेंटर में दो नाम के पेशेंट थे, उस वजह से ये गलती हुई है जिसको जिला अधिकारी ने स्वीकार करके और दोबारा से उन लोगों को जाकर क्वारंटाइन कर लिया गया है। नहीं तो जिनको छोड़ दिया गया था पॉजिटिव को घर पहुंच गए थे, कुछ लोगों को मिल लिए होंगे वो। जिन लोगों को छोड़ दिया गया था वो एक रात अपने घर पर रुके थे, तो इस वजह से उन लोगों के घर वालों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। उनके सैंपल लिए गए घर वालों के? घर वालों के सैंपल नहीं लिए गए हैं, अभी जांच के तौर पर सिर्फ क्वारंटाइन किया गया है क्योंकि अभी कोई उनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से उनके अभी सैंपल नहीं लिए गए। लेकिन सलमान जी, डॉक्टरों का कहना है कि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं होते फिर भी पॉजिटिव दिखते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं वो? जी बिल्कुल सर, मुरादाबाद में भी ये देखने को मिला है कि कुछ मरीजों में लक्षण नहीं पाए जा रहा है मगर रिपोर्ट में फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, मगर प्रशासन इस पे सर सब कदम उठा रहा है। अभी उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको क्वारंटाइन करके ले जा चुके हैं, शायद आज या कल में उनकी रिपोर्ट हो सकती है। बिल्कुल, वहाँ खाने पीने का मोहम्मद, जिस तरीके से यहाँ पर छूट की अगर बात करें कि कितना लॉकडाउन में असर है, क्योंकि पीतल यहाँ का काफी फेमस है, तो वहाँ पर क्या इसका कारोबार शुरू हो गया है कि वहाँ व्यवस्थाएं कैसी है लॉकडाउन में राशन वगैरह की? बिल्कुल सही कहा सर आपने, यहाँ मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ इस समय मुरादाबाद का बिल्कुल व्यापार बिल्कुल बंद है, इस तरह से यहाँ कोई भी कारोबार इस समय नहीं हो पा रहा है। और राशन की बात करते हैं तो राशन के लिए जो हॉटस्पॉट सेंटर है बनाए गए हैं उनमें प्रशासन द्वारा डोर टू डोर होम डिलीवरी का इंतजाम किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर 8.5 लाख के समथिंग आबादी है, 9 लाख के तकरीबन, तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन नगर निगम के द्वारा हो पा रहा है, स्क्रीनिंग समय पर हो पा रही है, स्क्रीनिंग अब तक कितने लोगों की हुई? अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग करीब 1500 लोगों की हुई है और जांच 914 लोगों की जांच हुई है। और अगर हम सैनिटाइज की बात करें तो जिन जिन एरियो में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन पूरा एरियो को सैनिटाइज किया जा रहा है। मुरादाबाद में अभी कोई केसेस आए हैं पॉजिटिव के जो दो के छोड़ के? नहीं सर, इसके अलावा तो अभी कोई कुछ नजर नहीं आया सर। वो जो तो पॉजिटिव आए हैं उनके घर वालों के सैंपल नहीं लिए गए, आश्चर्यजनक बात है सर। शायद उनके घर वालों की आज या कल में कोई जांच हो पाए क्योंकि उनको दोबारा से क्वारंटाइन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी के मोहम्मद सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ निर्मल जी बने हुए थे, निर्मल जी आप जिक्र कर रहे थे
जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसा त्रिपाठी जी ने सवाल किया कि आज कितने सैंपल्स की रिपोर्ट आने वाली है, तो इस बारे में अभी से एग्जैक्ट कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 5 सेंटर्स हैं जहां सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, वहां से रिपोर्ट्स आती हैं, तो इस बारे में अभी जो है एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आज ये सामने आई है राजनीति के दौर में कि आज जब हम स्वराज एक्सप्रेस ने खास बातचीत की पूर्व मंत्री जीतू पटवारी से, तो उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना की इस लड़ाई में पूरी की पूरी जो कांग्रेस है वो कंधे से कंधा लड़ाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं बल्कि पीसीसी ने, यदि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश जारी किए हैं सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को कि वो इस जंग में सरकार के साथ जो है पूरा साथ दें। इसके अलावा जिनके पास जरूरतमंदों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको भोजन की व्यवस्था मुहैया कराएं, जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको लाने का, उनके ठिकानों तक, घर तक लाने का, आशियाने तक लाने का प्रयास करें। तो एक ये एक बहुत अच्छी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की संस्कृति कही जाती है उससे परे हटकर ये कोरोना के संक्रमण काल में एक बहुत अच्छा जो वक्तव्य ऐसा लगा कि जो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ये कहा है कि पीसीसी ने भी इस तरह के निर्देश जारी किए और वो खुद भी जो है अपने स्तर पर चाहे भोजन की व्यवस्था हो चाहे दवा की व्यवस्था हो वो भी करने में शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ नहीं निर्मल जी, निर्मल जी को धन्यवाद है, अभी बहुत सारी और चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। हमारे साथ फहीम अहमद जुड़ गए हैं जो कि प्रभु परशुराम की कर्मभूमि से हैं, जौनपुर। जौनपुर में फहीम क्या आलम है, वहां पर कोई संदिग्ध कोई कोरोना, क्योंकि यहां पर जमातियों को काफी छिपे होने की खबर मिली थी, कहां तक सच्चाई? जैसा कि बता दें कि आपको सबसे पहला केस जो मिला था वो दुबई से आया हुआ था और वो 24 मार्च को उसके आगे से फाइल किया गया था। उसके बाद यहाँ पर दो जमात जो थे, एक बांग्लादेश का था और एक इसका जो छत्तीसगढ़ के उसके जो गाइड थे वो भी कोरोना पॉजिटिव आए थे, और उसके बाद एक जो बस मदरसे का लड़का था। तो टोटल यहाँ कोरोना जो पॉजिटिव मिले हैं वो 5 की संख्या थी, जिसमें कि इनका इलाज बनारस हॉस्पिटल में हुआ और उसके बाद 4 की रिपोर्ट इलाज के बाद वो स्वस्थ हुए और निगेटिव आए, उन्हें क्वारंटीन में भेजा गया है, अभी 1 का इलाज चल रहा है। अभी तक यहाँ पर 587 सैंपल को भेजा गया है, जिसमें से 87 सैंपल की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पर लंबी रिपोर्ट, हाँ लंबी रिपोर्ट है। और साथ ही साथ स्क्रीनिंग अब तक कितने लोगों की गई है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, 2 लाख के तकरीबन पॉपुलेशन है, तो स्क्रीनिंग का कार्य किस प्रकार से चल रहा है यहाँ पर? जैसा कि बता दें जहाँ जहाँ पर ये मिले हैं, ये मरीज जो कोरोना के मिले हैं, 4 ऐसी जगह पर जिलाधिकारी ने उसको हॉट स्पॉट जोड़ने पूरी तरीके से लाभ किया गया है। कुछ शहर में 3 हॉट स्पॉट है और एक बदलापुर तहसील क्षेत्र में है, तो वहाँ पर बकायदा टीम को स्क्रीनिंग किया जा रहा है और जो इस परिवार के लोग टच में भी हैं उसके भी सैंपल लेकर भेजे गए हैं, और इसके चरण वाइज जिलाधिकारी के तहत गांव से भी और जो लोग दूसरी जगह क्वारंटीन में रखे गए हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, कोई मुंबई से और वहां से जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें भी गाँव के जो स्कूल है सरकारी वहां पर क्वारंटीन करके रखा गया और बाकायदा स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। वहाँ खाने पीने का सामान, क्या दुकानें खुल रही हैं? जी जैसा कि बता दें यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो जरूरत सामान की चीजें हैं, अब सामग्री और मेडिकल स्टोर 11 बजे तक खुलता है, मेडिकल स्टोर को 24 घंटे खोलने के आदेश है। चलिए फ्रेम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। यहाँ पुलिस एक अनोखा जो रूल चला रही है, जो लोग ट्रैफिक में पकड़े जा रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन कर रही है, आज 60 लोगों को किया गया। ये उसके बाद डर जाएंगे, नहीं जाएंगे, उन्हें एहसास हो जाएगा क्वारंटाइन का, निश्चित एहसास भी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश अलग अलग जिलों में, अपने आप ही कई जिलों में गए थे हम लोग, खरगोन है, उज्जैन है, सब जगह स्थिति जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वहाँ अभी जिस तरह हम लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेज में मध्य प्रदेश का एक साथ थे, वो उनके यहाँ थर्ड स्टेज पे है, मतलब बहुत ही राहत भरी साथ और यहाँ बहुत ही चिंता, यहाँ रोज स्थिति नई स्थिति मिल रही है, आज से तो कल 30 निकल रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है। दुर्गेश से भी पूछ लेते हैं क्या है दुर्गेश के पास, और अधिक जानकारी दुर्गेश जुड़ गए हमारे साथ। दुर्गेश क्या कुछ है आज आपके पास पुलिस प्रशासन से संबंधित, अपराध से संबंधित? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में आज फिर एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हो गई जो रातीबर थाना क्षेत्र में है। वहां पर एक आरोपी ने
एक अपने ही साथ वाले दोस्त की पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है यह दोनों आरोपी गांजा तस्करी से जुड़े हुए आरोपी बताए जा रहे हैं। दोनों लोग ही गांजा तस्करी से जुड़े हुए थे। जो मृतक है वह भी गांजा तस्करी करता था बड़ी तादाद में, और जो इसने हत्या की है वह भी गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ था। फिलहाल जो रातीबड़ पुलिस है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी उससे पूरे मामले की पूछताछ चल रही है। तो कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में लगातार यह दूसरी हत्या कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि अब राजधानी भोपाल में अब गंभीर मामलों पर भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं पर यदि हम बात करें लॉकडाउन उल्लंघन के मामले भी काफी तादाद में राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से विगत बीते दिन 64 केस एक ही दिन में दर्ज किए गए हैं और इन्हीं केसों के साथ में अब दुर्गेश हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ एक आशीष शिवहर जुड़ गए हैं जालौन से जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। आशीष, वहां पर कोई संदिग्ध है या फिर कोई संक्रमित है? कितने लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है या रिपोर्ट आना बाकी है? जी, मैं आपको बता दूं जालौन जो है वो कोरोना से इस समय फ्री है और यहाँ पर एक भी केस अभी तक नहीं पाए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने जो लगातार टेस्ट है वो किए जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और लगातार जो टेस्टिंग है जारी है, लेकिन अभी तक कोरोना जो का संक्रमण जो है जालौन में नहीं पाया गया है। जी सर। और यहाँ पर जिस तरीके से कोई भी बाहरी व्यक्ति आया है, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? जमाती भी पहुंचे हैं क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि वैसे जमातियों की संख्या जो है वो 36 जहाँ बताई गई थी, लेकिन अभी तक बताएं तो क्वारंटाइन सेंटर जो है वो यहाँ पे लगातार एक जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज जहाँ पे बनाया गया है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूल को भी लिया गया है ताकि कोई बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ रोका जा रहा है। मैं एक बहुत अच्छी बात करना चाहूंगा कि यहाँ की जो लोग हैं, जो पब्लिक है वो बाहर से आ रही है उस जिले से, तो यहाँ रोका जा रहा है क्योंकि कानपुर जो देहात एरिया है वहाँ पर बंद कर दिया जाने से, लेकिन जो लोग जो बाहर की जो ट्रेवलर्स हैं वो यहाँ आकर रुक रहे हैं, उसने आप सख्त करके रखी है ताकि ये लोग जो है वो यहीं पर स्थापित हो जाए। जी सर। ठीक है, स्क्रीनिंग का कार्य वहाँ पर चल रहा है क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर 60,000 की बहुत कम जनसंख्या है वहाँ पर, तो ऐसे में स्क्रीनिंग तो ज्यादा हो रही होगी सैंपलिंग के छोड़ के। हाँ जी, मैं आपको बता दूँ स्क्रीनिंग जो है लगातार भी जारी है, इसके लिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए दो सेंटर बनाए गए हैं जिला अस्पताल में जहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसमें भी व्यवस्था की गई है। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ अभी तक सैंपलों की अगर बात करें तो यहाँ पर 276 सैंपल्स हैं जिनको लिया जा चुका है, जिनको भेजा जा चुका है और इनकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। इसके अलावा 13 लोग ऐसे पाए गए थे जिनको आशंका जताई जा रही थी कि संक्रमित हो सकते हैं, ऐसे लोगों को सेंटर किया गया था जिसमें से 10 जो लोग हैं उनको रिलीज देते हुए फ्री कर दिया। क्वारंटाइन टाइम जो है खत्म हो चुका था, 3 लोग अभी भी हैं क्वारंटाइन सेंटर में। जी ठीक है, त्रिपाठी जी चलिए आशीष से तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ लगातार दुर्गेश बने हुए। दुर्गेश, आप जिक्र कर रहे थे कुछ नई जानकारी दे रहे थे क्राइम के को लेकर के। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि मैं लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों की जानकारी देना चाह रहा था जिस पर राजधानी भोपाल में बीते दिन से लेकर अभी तक 24 घंटे में 64 केस एक दर्ज हो चुके हैं पूरे राजधानी भोपाल में, जिसमें इन 64 केसों के साथ में जो भोपाल का आंकड़ा है वो करीब 2200 के भी ऊपर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार देखने को मिलते हैं कि लगातार आम पब्लिक में जो है लॉकडाउन उल्लंघन के मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं वह कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आम जनता को कहीं ना कहीं कोरोना से डर नहीं है और इसी वजह से वह लॉकडाउन के लगातार उल्लंघन करते हैं, जिस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है। और इन सब चीजों को रोकने के लिए पुलिस लगातार अपने प्रयास कर रही है, कहीं ड्रोन कैमरों से नजर रख रही है, साथ ही साथ अनाउंसमेंट करके क्षेत्रों में जो कंटेनमेंट क्षेत्र हैं वहां अनाउंसमेंट कर लोगों से सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दे रही है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी भोपाल में जो पुलिस कोरोना संक्रमित लोग हैं उनका टोटल आंकड़ा 34 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और दो पुलिसकर्मी बढ़े हैं। जी बिल्कुल, दो पुलिसकर्मियों को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसमें एक महिला आरक्षक है जो 1090 एक महिला हेल्पलाइन जारी होता है पुलिस विभाग की तरफ से महिलाओं की सुविधा के लिए, उसमें पदस्थ एक महिला आरक्षक है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं एक होमगार्ड का जवान भी कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कल ही जैसे मैंने आपको बताया था कि एक श्यामला हिल्स में पदस्थ एक देवी सिंह आरक्षक की बेटी कल कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर 1.5 साल की बच्ची को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, माता पिता को कोरोना पॉजिटिव। दुर्गेश साहब के पास आते व्यापारिक शहर, व्यापारिक इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल कानपुर से दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, वहां पर कोरोना के कितने जो मरीज हैं वो मिले हैं, क्या 11 से बढ़े हैं आगे या फिर अभी उतने ही हैं? 3 की हालांकि मौत हो चुकी है।
देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से कानपुर में लगातार नए केस देखने को मिल रहे हैं, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में 113 कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें की एक्टिव मरीज 107 हैं और 7 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर में चिंता का विषय बना हुआ है, जिस तरीके से लगातार कल 14 मरीज सामने देखने को मिले थे और आज 6 मरीज आए हैं। जो हॉटस्पॉट एरिया बनाई गई है वो 13 कानपुर में बने हुए हैं, हॉटस्पॉट एरिया से लगातार आज 6 मरीज कुली बाजार से मिले हुए हैं। हालांकि ये जो मरीज मिल रहे हैं उनको हाईलाइट अस्पताल में कॉरिडोर अलग से बनाया गया है, वहां पर रखा गया और एक वर्सला अस्पताल है वहां पर भी रखा गया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जमाती जो पाए गए हैं उनके लिए PSIT बौंती में व्यवस्था की गई है और नारायण कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज पनकी में वहां पर रखा गया है। लगातार प्रशासन अपनी तरफ से जो है निरीक्षण कर रहा है। आज चकरपुर मंडी में भी DIG और DM ने निरीक्षण किया, वहाँ भी निर्देश दिए जो हॉटस्पॉट इलाके से लोग सब्जी लेने आते हैं उन पर नजर रखी जाएगी, हॉटस्पॉट इलाके से जो लोग आएंगे मंडी में उन पर मुकदमा लिखा जाएगा और उनको अलग भेजा जाएगा। जी क्या वहाँ दुकानें खुली हैं? दुकानें खुली हैं, वहाँ पर राशन वगैरह की क्या कुछ प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर रखी है? देखिए कानपुर की बात की जाए प्रशासन की दुकानों की, तो दुकानों का समय 6 से 11 दिया गया है, तो 6 से 11 दुकानें जो जरूरतमंद की दुकानें हैं, राशन की, दूध की और फल वगैरह की जो दुकानें सारी खुली हुई हैं और मेडिकल स्टोर भी खुले हुए हैं लगातार, और जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ पर होम डिलीवरी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। क्योंकि वो औद्योगिक शहर है तो क्या वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो शुरू हो गई है, क्योंकि चमड़ा और कपड़ा वहाँ पर सबसे ज्यादा बनता है? देखिए जिस तरीके से कानपुर जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो जरूरत की फैक्ट्रियां हैं उद्योग नगरी, क्योंकि कानपुर उद्योग नगरी माना जाता है, तो जो जरूरत की फैक्ट्रियां जैसे बिस्कुट चमड़ा वगैरह जो फैक्ट्रियां वो पूरी तरह से बंद है, कपड़े की भी फैक्ट्रियां बंद है, केवल खाने पीने वाली जो नमकीन और बिस्कुट की फैक्ट्रियां वही चालू की गई है, क्योंकि चमड़ा वाली फैक्ट्रियां जो है उद्योग नगरी, क्योंकि प्रदूषण ज्यादा कानपुर में पाया जाता था इस वजह से सारी फैक्ट्रियां बंद की गई है, केवल नमकीन और बिस्कुट वाली ही फैक्ट्रियां चालू है। दीपक बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए होंगे? जी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनका रोज का खाना कमाना था वो जो थे वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसी तरीके सरकार द्वारा आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, राशन मिलेगी, सब्जी पहुंचाई जाएगी। हालांकि मंडी में भी उन लोगों का कारोबार करवाया जा रहा है कि फुटकर सब्जी लेके अपना वहां व्यापार कर सकते हैं, वो लोग अपना खान पान कर सकते हैं। अगर जरूरत की चीजें चाहिए तो शासन को आप फोन करिए, टोल फ्री नंबर दिया है उस पर आप सहायता ले सकते हैं। चलिए दीपक का तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिपाठी जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कोई लोग बेरोजगार हो गए होंगे, अभी हाल ही में एक विदेश का नामचीन अखबार है उसकी रिपोर्ट सर्वे कहती है कि पूरी दुनिया में 23.5 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार होते हैं इस बार आने वाले समय में। अभी तो वही तो है, अभी ये लॉकडाउन और बढ़ेगा और खासकर अभी भुखमरी के शिकार वही होंगे निम्न वर्ग के और अति मध्यम वर्गी, इन लोगों ने जिनने अगर कुछ 2 महीने 3 महीने के लिए इकट्ठा भी होगा और फिर उनका बैंक बैलेंस भी नहीं रहता है उतना, अगर बैंक बैलेंस के माध्यम से वो कुछ खरीद भी लेते हैं 3 महीने के बाद, और जब 3 महीने के बाद लॉकडाउन खुलेगा तो अचानक उनको काम से थोड़ी पैसा मिल जाएगा, काम भी मिलना बहुत मुश्किल होगा, मंदी का असर तब दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, और ज्यादा दिखेगा। दुर्गेश से बात कर लेते हैं, दुर्गेश कुछ और नई जानकारी? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजधानी भोपाल में 2 और पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से एक महिला डेस्क की आरक्षक है जो कि कोरोना संक्रमित पाई गई है। उसके बाद से पूरे जो महिला डेस्क का जो हेल्पलाइन सेंटर है उसको पूरा वो कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ उसके जो परिवार के जो कांटेक्ट के लोग हैं उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। उसके अलावा आज परिजनों की रिपोर्ट हालांकि निगेटिव आई है, परिजनों की रिपोर्ट में बढ़ोतरी नहीं हुई है पुलिस परिजनों की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के साथ में 34 पुलिसकर्मी कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में संक्रमित हो गए हैं और जो पुलिस परिजनों का पुराना आंकड़ा था 22 वो कोरोना संक्रमित है। जी गाजियाबाद से हमारे साथ वैभव शर्मा जुड़ गए हैं। वैभव आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है मेरे पास। ठीक है वैभव, जिस तरीके से 55 केस हैं वहां पर और मृत्यु दर हालांकि शून्य, कोई भी अभी तक ऐसा नहीं केस सामने आया, अभी हाल ही में 1-2 दिन में कोई मरीज बढ़े हैं या फिर उतना ही है? गाजियाबाद दिल्ली में काफी केस है, गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है। जी 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 जी, देखिए बात करी जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में इस समय 52 केस हो चुके हैं जिसमें से 15 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, वहीं बचे हुए जो 37 लोग हैं उनका फिलहाल जो एक्टिव क्वारंटाइन है इस समय उनका इलाज लगातार जारी है, जिसमें से 6 लोग ऐसे हैं
जो एनसीआर दिल्ली सहित कहीं जगह उनका इलाज चल रहा है और बाकियों को 31 लोगों को गाजियाबाद में भर्ती कराया गया है जहां उनका इस समय इलाज चल रहा है। लगातार गाजियाबाद प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि इस बढ़ते हुए रेशों को लगातार रोका जाए और जो कोरोना की चेन है इसे तोड़ा जाए, क्योंकि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं वो खुद गाजियाबाद प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, जिसके बाद गाजियाबाद प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि इस बढ़ते हुए आंकड़े पर पूरी तरीके से नियंत्रण लगाया जाए और किसी भी तरीके से चेन को तोड़ा जाए। वहीं बात करी जाए गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहा है कि इस बढ़ती हुई चेन को रोके और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार गाजियाबाद में धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो लोग बाइक पे जैसे एक जना अलाउड है और एक की जगह अगर कोई दो जना दिखाई देता है तो उसे भी रोका जा रहा है, उसके चलान काटे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अगर गाड़ी में दो से ज्यादा अधिक लोग दिखाई देते हैं तो उनके भी चलान काटे जा रहे हैं। इससे साफ तय हो गया है कि गाजियाबाद प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कराया जाए और कोरोना की जो बढ़ती हुई चेन है उसे भी पूरी तरीके से तोड़ा जाए। बिल्कुल, वहाँ पर कौशाम्बी हुआ, वैशाली हुआ, ये क्षेत्र बिल्कुल दिल्ली से लगते हुए हैं, क्या यहाँ पर सील कर दी गई है सीमाएं बिल्कुल? जी देखिए, गाजियाबाद की बात करी है तो गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग, मेडिकल सर्विसेज से जुड़े लोग और जर्नलिस्टों को खाली दिल्ली में जाने की सुविधा दी गई है। बाकी इसके अलावा सभी से साफ मना कर दिया गया है कि आप गाजियाबाद से दिल्ली नहीं जा सकेंगे, ना ही दिल्ली से गाजियाबाद आएंगे। अगर ऐसे लोग कोई भी गाजियाबाद से जाने की कोशिश करता है, दिल्ली से आने की कोशिश करता है, तो उन्हें वहीं रोका जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है और अगर वो लोग इस चीज से एसेंशियल सर्विस या मेडिकल सर्विस से जुड़े नहीं हुए हैं तो उनके गाड़ियों के चलान भी काटे जाते हैं, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि वो जो, क्योंकि जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली गए और दिल्ली से गाजियाबाद लौटे, ऐसे लोग 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद लगातार ये कड़ा निर्णय लिया गया है और गाजियाबाद प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कड़े निर्णय ले रहा है कि जिससे ये जो कोरोना की चेन से तोड़ी जाए। गाजियाबाद में कुल मिला के इस समय 15 जगह हॉटस्पॉट है जिन्हें चिन्हित करके सील कर दिया गया है और वहां पे जो सर्विसेज की सप्लाई है वो लगातार चेक की जा रही है, लगातार लोगों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो इसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए वैभव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्गेश बने हुए थे सर, त्रिपाठी जी। दुर्गेश, कुछ और जानकारी फिर उनको कहा जाए। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो क्राइम का ग्राफ है वो क्राइम का ग्राफ लगातार जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होने की अवधि में आ रहा है वैसे वैसे ही क्राइम का ग्राफ भी, संगीन अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ लॉकडाउन के जो उल्लंघन के मामले हैं वे भी राजधानी भोपाल में भारी तादाद में दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही साथ लॉकडाउन को सख्ती से पालन निर्देश कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी सख्ती से निर्देश दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जिसमें जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पुलिस वालों संपर्क में रहते हैं क्या? नहीं सर, वो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम थी, ऐसी आवाज है। जी जी बिल्कुल, जानकारी दीजिए। जानकारी जी, तो जो नए कंटेनमेंट जो जोन बनाए गए हैं उनमें भी जो पुलिस प्रशासन पुलिस कर्मियों को मुस्तैद कर रहा है उनमें पीपीई किट दिलाई जा रही है। पीपीई किट के साथ में पुलिस विभाग के कर्मचारी मुस्तैद हो रहे हैं और साथ ही साथ बढ़ते पुलिस कर्मियों के संक्रमण को देखते हुए पुलिस विभाग ने अब जो पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है वो अस्पताल अस्पताल होटल से लेकर होटल में कमरे भी कमरों की व्यवस्था करवाई गई थी अलग से ताकि वे अपने परिजनों के संपर्क में ना आ सके। चलिए दुर्गेश, समय कम है हमारे साथ, रामजी सिंह जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश आपका। चीनी का कटोरा कहे जाने लखीमपुर से, लखीमपुर से। रामजी, वहां पर कितने केसेस कोई सामने आए हैं कोरोना के या फिर कितने लोग संदिग्ध हैं, कितने लोग क्वारंटाइन किया गया है? और अभी आपके पीछे से ठीक एक एम्बुलेंस निकल कर गई है, तो क्या स्वास्थ्य सेवा वहां पर अच्छे से चल रही? हाँ सर, आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। यहाँ के जो डीएम सैलेन सिंह है, एसपी पूनम है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक जो पेशेंट निकल के कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्टें आई थी तो 4 लोग आए थे, 3 जमात से जुड़े हुए थे, जो धौरारा में तबलीगी जमात से आए हुए थे, उनको वहीं क्वारंटाइन करा के उनका बेहतर इलाज कराया गया। इलाज कराने के बाद उनको उनके घर भेजा गया। एक तुर्की का जो था, एक व्यापारी था, तुर्की गया हुआ था, तुर्की से वापस आने के बाद उसके कुछ लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण उसका इलाज किया गया। इलाज के दौरान वो भी ठीक है और जो 4 थे 4 ठीक है, कोरोना मुक्त है। वहीं एक खबर कल जो निकल के आई है वो बहुत चौंकाने वाली है कि पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट सिसैया में 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कहां पड़ोस फिर से बताइए, कहां पाया गया है? बहराइच सर, बहराइच जी।
बहराइच पाया गया है। बहराइच से लगी सीमा लखीमपुर जनपद की है। लखीमपुर जनपद के सिसैया के रहने वाले दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पाया गया है। उसमें एक व्यक्ति जो था यही के लखीमपुर जनपद के एक गांव आया था, गांवपुर गांव चंदपुरा गांव है, उस चंदपुरा गांव को डीएम के आदेश से सील कर दिया गया है और वहां 14 लोगों को क्वारंटाइन कराया गया है, गांव को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उसकी मॉनिटरिंग कर रही है और उसको पूरी देखरेख कर रही है। सर कितने सैंपल लिए गए हैं लखीमपुर से? सर सैंपल जो अभी तक लिए गए हैं उनके जो आंकड़े आए हैं हजारों की तादाद में लिए गए हैं और उन जो सैंपलों के और सैंपल लिए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग चल रही है। सर जो मुस्लिम समुदाय ऐसे बहुमूल्य क्षेत्र है उसमें स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। सर नहीं तो सैंपल रिपोर्ट कितनी आई? सैंपल हजारों की तादाद में तो नहीं हुए होंगे, जाहिर है कुछ स्क्रीनिंग जरूर हो सकती है। स्क्रीनिंग होगी हजारों की तादाद? जी जी स्क्रीनिंग हुई है और अभी जो कोटा से छात्र आए थे उनकी भी मेडिकल जांच की गई है, किट के द्वारा जांच हुई थी, उनको भी क्वारंटाइन कराया गया है। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी के लिए राम जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ 24 घंटे में अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला और 40 रिपोर्ट नेगेटिव भी आएगा। 10 जिले पहले अकील ने बता दिया, 10 जिले कोरोना मुक्त है, ग्रीन उसमें है। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय डोंगर टिबे। संजय जी क्या है आज आपके पास नगर निगम से संबंधित कोई अच्छी खबर? सर नगर निगम से संबंधित तो अभी यही देखने को मिल रहा है कि अब जैसे क्वारंटाइन की बात आ रही है और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि नगर निगम जिस प्रकार सैनिटाइज करने को लेकर अपने कदम बढ़ा रही है, आज इसने भोपाल के कई बड़े क्षेत्रों को सैनिटाइज किया। जो लोगों की शिकायत हुआ करती थी हमारे क्षेत्रों में सैनिटाइज नहीं हो रहा है, अब लोगों की वो शिकायतें दूर होने को देख रही है। लेकिन सर आज भी वही दीपक भाई वही देखने को मिल रहा है कि कहीं जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि किराने के सामान को लेकर आज भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। किराने की दुकानें जरूर खोल दी गई लेकिन किराने की दुकान पे सामान नहीं है और नगर निगम जिस प्रकार से दावा करती है कि हम घरों में कई लाखों घरों तक किराने का सामान पहुंचा चुके हैं लेकिन वो मात्र 15 और 10 दिन का सामान देने के बाद अब नगर निगम भी कहीं ना कहीं अपनी शांति के राय बैठा हुआ है। आने वाले समय में लोगों का कैसे दिन निकलेंगे ये तो मुश्किल है, आने वाला समय बताएगा। क्या कोरोना में और दुकानें नहीं खुलती है तो लोगों को किस प्रकार से किराने का सामान उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन दीपक एक चीज अभी आज जो देखने को मिल रही है जो आमजनों की एक बहुत एक शिकायतें जो आ रही है कि लोगों के पास जो आदेश होने के बाद भी कई प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जो उन कर्मचारियों को पैसा दे नहीं रहे हैं और तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। उन तनख्वाहों के कारण सबसे ज्यादा परेशानी आज देखने को मिली। हम फील्ड में निकले हैं तो फील्ड में हमें कई फील्ड में संजय जी क्या कुछ आपको देखने को मिला वो भी हम जानेंगे लेकिन उससे पहले कृष्णनंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं देवरिया से। देवरिया काफी महत्वपूर्ण जगह है। बिल्कुल पास में बौद्ध वहां पर स्थित है, एक प्रतीश से काफी फेमस है। सबसे पहले जानना चाहूंगा कृष्णानंद की वहां पर कितने पॉजिटिव हैं, कोई केस मिला है, कितने लोग क्वारंटाइन किए गए, सैंपल लिए गए? जी बिल्कुल आपको बता दें यहाँ अब तक कोरोना पॉजिटिव आए हैं और बाहर से आपकी आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही है। जी सर स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। अब तक पूरी तरह से कोरोना से मुक्त है, यहाँ कोई भी कोरोना के पेशेंट अब तक नहीं आया है सर। ठीक है कृष्णानंद, मैं चाहूंगा कि आप अपनी आवाज को थोड़ा सा सही करें उसके बाद क्योंकि दर्शक आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं पूर्ण रूप से। हमारे पास संजय जुड़े हुए लगातार। संजय आप जिक्र कर रहे थे कि जब आप फील्ड में निकले उसके बाद क्या नजारा आपको देखने को मिला? तो एक जो आस लगा के हम लोगों के पास जो आते हैं मजबूर लोग वो आज हमारे पास फिर पहुंचे हैं। एक कहीं स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आपने सरकार ने छुट्टियां तो कर दी गई लेकिन जो उनके बस के ड्राइवर हैं वो आज पैसों के लिए मोहताज हो रहे हैं। उनने आरोप लगाया है सरकार की तरफ भी, कई बार पत्र लिख दिया है, कई फोन कर दिए, जितने नंबर दिए गए उन पर फोन कर दिए गए लेकिन अभी तक उन्हें मात्र मार्च महीने का पेमेंट मिला है 15 दिन का। और अभी तक जब वह अधिकारी और जब प्रिंसिपल से और जो वहां पे बस के इंचार्ज है उनसे बात करते हैं तो अभी तक उन स्कूलों के बस ड्राइवरों को और क्लीनरों को पैसा नहीं मिला जिस कारण से कई सारे लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले थे। उन्होंने साफ कहना है कि अब जब क्वारंटाइन जब उन्हें लॉकडाउन है और बसें नहीं चलाने पड़ रही है या बसों को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। दीपक इसी के अंतर्गत अभी एक सूचना आई है कि जो तकनीकी शिक्षक हैं उन्होंने भी अपने मानदेय को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और जो भी एक संस्था है उन पर सब पे काली पट्टी लगा दी है। सरकार ने उनके भी मानदेय अभी तक
तक नहीं दिया, जिसको लेकर दीपक ये देखने में आ रहा है कि मानदेय को लेकर अब लोगों के बहुत बुरी तरीके से लोग बाग टूट गए हैं और उनको अब पैसे के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की तरफ भी वो निगाह लगा बैठे हैं, लेकिन सरकार ने सभी ने कलेक्टर तक की गुहार लगा दी, लेकिन कलेक्टर ने भी अभी तक इसके और कोई कोई आदेश नहीं दिया और इन इन मजदूरों को पैसे की पैसों की मदद के लिए या सरकार ने उन स्कूलों को लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किया कि उनके पेमेंट दिया जाए। अगर देते हैं तो किस प्रकार से मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, ऐसा भी कोई आश्वासन नहीं है। कृष्णन जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। कृष्णन जी आप क्या बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, दीजिए। जी सर, जैसा कि हमने आपको बताया, देवरिया जिन पर अब तक पूरी तरह से कोरोना के ऐसे मरीज नहीं मिले हैं, या पूर्वांचल का सबसे अच्छा राज्य माना जा रहा जिला माना जा रहा है जहाँ अब तक कोरोना के कोई भी मरीज नहीं मिले हैं, यहाँ लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और लोग सरकार के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। चलिए, कोई मरीज सैंपल लिए गए देवरिया से कुछ? जी बिल्कुल सर, कई सैंपल लिए गए हैं जिसमें अब तक 101 संदिग्धों का जो है पहले जांच किया गया और उसी में जो है 101 रैपिड टेस्ट किए गए हैं और 161 सैंपलिंग लिए गए हैं। टोटल मिला के 265 सैंपल लिए गए हैं जिससे